अतिथि शिक्षक संघ एक बार पुनः फिर अपने संविलियन की मांगों के लिए जन घोषणा पत्र 2018 के अनुसार नियमितीकरण एवं संविलियन के लिए कांग्रेस सरकार को वादा दिलाने के लिए अनिश्चितकालीन सांकेतिक हड़ताल रैली का आह्वान किए हैं, जिसमें प्रथम चरण में 7 अगस्त से 13 अगस्त के बीच में धरना स्थल तुता मैदान में प्रदर्शन करेंगे। ज्ञात होंगे कि हाल ही के अनुपूरक बजट में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अतिथि शिक्षकों के मानदेय में 2000 की वृद्धि, हालांकि अतिथि शिक्षक विद्या मितान की मांग जन घोषणा पत्र 2018 के अनुसार शिक्षा विभाग में संविलियन रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी मात्र 2000 की वृद्धि किए। फिर भी हमारे संगठन के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री से मिलकर आभार व्यक्त किए और जॉब स्थायीकरण, 12 माह का वेतन एवं शासकीय कर्मचारियों में लागू होने वाला अवकाश एवं वंचित की बहाली हेतु मांग रखे, जिसमें सभी बिंदुओं पर कार्रवाई हेतु मुख्यमंत्री जी आश्वासन भी दिए और अति शीघ्र आदेश जारी करने मुख्य सचिव को आलोक शुक्ला जी को पत्र को भेजे, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से एक भी आदेश जारी नहीं हुआ है और नहीं अमल हुआ है, जिसके कारण पूरे राज्य अतिथि शिक्षक क्षुब्ध होकर 7 तारीख सांकेतिक हड़ताल एवं रैली की योजना बनाए। अभी भी मुख्यमंत्री जी भरोसा है कि 15 अगस्त तक हमारी मांगों जो आश्वासन दिए शीघ्र ही प्रशासन आदेश जारी करेंगे, इसलिए यह सांकेतिक हड़ताल प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें संगठन के प्रांत प्रमुख धर्मेंद्र वैष्णव सहित समस्त 25 जिला अध्यक्ष के द्वारा हड़ताल का आह्वान किया गया है। नाराज अतिथि शिक्षक विद्यामितान कल्याण संघ अब अनिश्चितकालीन आंदोलन के आगाज करने जा रहा है। आंदोलन दो चरण में होगा। पहला चरण 7 अगस्त से 13 अगस्त के बीच होगा, दूसरा चरण 15 अगस्त के बाद होगा। पहले चरण में हम सरकार से उस आस लगाए हैं, विश्वास लगाए हैं कि सरकार अभी तक हमारी मांग को पूरा नहीं की है, वो 15 अगस्त में हमारी मांग को पूरा करेगी। इसलिए हम सरकार के ऊपर विश्वास लगा करके बैठेंगे कि 15 अगस्त के सरकार हमारे मांग को पूर्ण करेगी। सरकार से निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि सरकार उस मांग को मानते हुए हमें एक सौगात प्रदान करेंगे। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि 15 अगस्त को आप हमारे मांगों पर के प्रति घोषणा कर दीजिए, ताकि 15 अगस्त के बाद होने वाला जो उग्र प्रदर्शन है वो प्रदर्शन हमको ना करना पड़े। हमारे साथियों को भी कहना चाहूंगा कि ये अंतिम लड़ाई है। जैसे सरकार अपने लिए आने वाले इलेक्शन के लिए नया नया तैयारी, नई योजना बना रही है, उसी तरीके से ये मात्र 2 महीना जो समय बचा हुआ है, यदि हम इसमें हमारे लिए योजना नहीं बनाएं तो हमारा कराया धराया सब बेकार हो जाएगा। 8 वर्ष से मेहनत कर रहे हैं, सरकार के द्वारा मात्र 2000 का झुंझुना हमें पकड़ाया गया है। हम नियमितीकरण की आस पे लगे हुए हैं, इतने बिहड़ आदिवासी अंचलों में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। आज उसी संविदा वालों का पेमेंट देखो 38 से ऊपर हो चुका है, आज 48 के समकक्ष जा रहा है, और हमारा पे 18 से 2000 बढ़ा करके 20 करने का प्रावधान किया गया है, जो हमारे लिए एक बिस्कुट दे रहे हैं, पार्ले बिस्कुट के समान काम कर रहे हैं। मैं सरकार की इस मनोदशा के लिए बड़ा खिन्न हूं कि आप एक तरफ जिसका 80,000 पेमेंट है उसको बढ़ाते हुए लगातार बढ़ा रहे हैं, और एक तरफ जो आदमी आपके लिए क्या क्या नहीं किया है उसके लिए आप छोटी मानसिकता रख करके मात्र 2000 की वेतन वृद्धि की है। हमें ये 2000 की वेतन वृद्धि नहीं चाहिए। जो आपने कांग्रेस जन घोषणा पत्र में वादा किया है उस वादा को पूरा कर दीजिए। हम सरकार से मात्र यही चाहते हैं। धन्यवाद।